रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट डिजीज है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ऑटोइम्यून डिजीज भी कहा जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया से वायरसेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बैक्टीरिया और वायरसेस इजीली हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और डिजीज काज करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारी बॉडी हमारे हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जब हमारे हेल्दी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है। इस कंडीशन को रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट की डिजीज है। ये डिजीज ज्यादातर हैंड्स, फिंगर, रिस्ट, एंकल और नी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बेशुमार काजेज हो सकती है। सबसे मेन जो काज मानी जाती है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स के तौर पे इंटर होते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। फिजिकल ट्रोमा, एक्सीडेंट या आप कहीं से गिर जाते हैं तो ये भी एक मेजर कॉज हो सकता है। जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं। जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है कि आपकी फैमिली में से जीन्स वेरी करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करना भी एक मेजर कॉज हो सकता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, क्योंकि ये सब इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बेशुमार साइन एंड सिम्टम बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। जॉइंट्स के अंदर पेन होगी, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएंगे, जॉइंट्स की मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा फीमेल को इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जाए तो CBC, ESR, RA फैक्टर और एक्सरे परफॉर्म करवाया जाता है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को कहा जाता है और ये ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटरी रेट को कहा जाता है। इस कंडीशन में इस टेस्ट के अंदर रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए ESR परफॉर्म करवाया जाता है। आर इफेक्टर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए। इसके अलावा एक्सरे और MRI जॉइंट्स की क्लियर इमेज को देखने के लिए परफॉर्म करवाया जा सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो एनल्जेसिक मेडिसिन, मल्टीविटामिंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, डेक्लोफिलिनिक सोडियम और स्टीरॉइड्स इस कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को खत्म करने के लिए दी जा सकती हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और पेन होगी। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देंगे और पेन को कम करने के लिए डेक्लोफिलिनिक सोडियम रिकमेंड की जाती हैं। मल्टीविटामिंस, विटामिंस और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती हैं और एनल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं ताकि पेन को, फीवर को कम किया जा सके। और स्टीरॉयड, जॉइंट की स्टिफनेसी और सेवेरिटी को ख़त्म करने के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।